हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल लवली मनी पे मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ बहुत जल्दी, मतलब अनबॉक्सिंग होती रहती है रोज की रोज, मतलब की कंपेरिजन अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक आई बटन में है, आप जाके उस पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मेरी वीडियो देख के कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी सही नहीं हो रही, तो अपनी एक छोटी सी क्लिप बना के आप डाल सकते हो, जिसके कारण मैं देख के मैं बता दूंगा कि ये कमी कर रहे हो, ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो आपकी स्विमिंग सही हो जाएगी। तो आज की वीडियो है अंडर वाटर करेंगे, मतलब कि अंडर वाटर की वीडियो है कि हाउ टू अंडर वाटर इन स्विमिंग। तो फ्रेंड्स, आज पूल भी चेंज है और मतलब कि आज आई होप कि आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो जो मेरे बैक साइड में है, सारी डाइविंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अंडर वाटर में। अंडर वाटर में एक चीज़ बता देता हूँ कि अंडर वाटर में सांस नहीं लिया जाता, एक बार में आपने जितना दूर तक तय कर लिया कर लिया, उसी को अंडर वाटर कहते हैं। और कई जने मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि अंडर वाटर में सांस कैसे ले। और एक बात मुझे कमेंट आ रहा था कि पानी में मैं सांस नहीं ले पा रही, मेरा मुँह ऊपर नहीं आ रहा, मुँह ऊपर मतलब कि बाहर नहीं आ पा रहा। बाहर मुँह नहीं करना होता, मुँह साइड में करना होता है, साइड में लेके आपने सांस लेना होता है। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे वेज वार करके सांस लेने की कोशिश करते हो, वैसा कुछ नहीं है, मैंने बकायदा वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अंडर वाटर स्टार्ट करते हैं। अंडर वाटर में स्टार्ट करने से पहले मैं बाहर में कुछ बता देता हूँ कि अंडर वाटर में जो हैंड मूवमेंट चलती है वो फिंगर्स खोल के नहीं चलती, बंद चलती है। आपने आगे हैंड करने हैं, खोलने हैं, चेस्ट के पास लेके आने हैं, मतलब कि नीचे तक जाएंगे, यहाँ से हाथ जोड़ने हैं, पीछे पुश मारना है, इससे आप ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे अंडर वाटर में। ऊपर से लेके मतलब कि ऊपर से लेके आपने हाथ नीचे लेके चेस्ट के पास ले आके जोर से नीचे मारने हैं, फिर आगे से यहाँ से ही लेके जाने हैं, यहाँ से लेके जाके फिर आपने अंडर वाटर जॉइंट और पीछे, ठीक है। इससे आपकी ज़्यादा दूरी तय होगी, नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, इससे दूरी तो तय, खैर इससे भी होती है पर इससे कम होती है। पर अगर आप इससे यहाँ तक पुश मारते हो तो आपकी दूरी ज़्यादा तय होगी, मतलब कि जहाँ आप कम कर रहे हो वहाँ आप ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो किक की ब्रेस्ट किक की किकिंग चलती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाई, ब्रेस्ट किकिंग कैसे चलती है, जो नी मूवमेंट होती है वो ऐसे जुड़ी रहती है और हैंड किक ऐसे रहती है, ठीक है। ये नई टेक्निक है, जो पुरानी टेक्निक में नीज ओपन होके फिर ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ रहती है। लेग्स मूवमेंट मैं अभी बता देता हूँ, चलो स्टार्ट करें। अगर आप अंडर वाटर सीख लेते हो अच्छे से, मतलब कि किकिंग भी आपको आ जाती है, ब्रेस्ट भी आ जाती है, तो थोड़ी सी चेंज होकर ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे पहले मैं सॉरी मांग लेता हूँ, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग लाइव ही की थी पर मेरा माइक बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, साउंड नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, किकिंग देख लो कि ब्रेस्ट की किकिंग कैसे करनी है, मतलब अंडर वाटर आपने कैसे करनी है। पैर आपके सिर्फ ब्रेस्ट स्ट्रोक में ऐसे चलते हैं, फोल्ड करना है आपने, किक करनी है जोर से, फिर ज्वाइंट करना है, फिर सीधे कर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपको एक बार मैं लेट के भी बता देता हूँ कैसे करनी है, बैकग्राउंड में साउंड ज़्यादा आ रहा है उसके लिए सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। लेट के आपने याद रखना है कि थाइज जो चेस्ट की साइड नहीं मुड़ने चाहिए, ऐसे ही फोल्ड होने चाहिए पैर, खोल के आपने किक करना है जोर से, फिर ज्वाइंट करना है, खोल के किक करना है, ज्वाइंट करना है। ये चीज़ आपने पानी में अंडर वाटर में करनी है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो तो आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये है अंडर वाटर में करनी है, ठीक है। जब आप करोगे तो चेस्ट के पास नहीं पैर आने चाहिए, पैर सीधे रहने चाहिए, बैक फोल्ड होने चाहिए पैर। अगर चेस्ट के पास करोगे तो आपके बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलो एक बार आपको पानी से दिखा देता हूँ कैसे करना है। देख सकते हो कि जो आपने पैर चलाने हैं वो कैसे चलाने हैं, ये ऐसे पैर चलाने हैं, देख सकते हो जो नी है वो चेस्ट की साइड नहीं आ रही, ठीक है। अगर नी चेस्ट की साइड आएगी तो आपकी हाइट आगे नहीं मिलेगी, जो स्पीड है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो दिक्कत हो जाएगी। और स्विमिंग में क्या करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक में कई जने पैर उल्टा चलाते हैं, एक पैर तो सही चलाते हैं, एक पैर उनका गलत होता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये देख सकते हो, एक पैर ऐसे चलाते हैं, एक पैर ऐसे चलाते हैं, ये मैंने पहले बताया। इससे आगे तो बढ़ता है पर ये टेक्निक गलत होती है, इसमें आगे आगे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चेक कर सकते हो, दोनों पैर एक ही जैसे चल रहे हैं जिसमें कोई होना नहीं चाहिए। उसके बाद आपने हाथ नीचे तक करके ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो चलेंगे ऊपर तक चलेंगे। अंडर वाटर में हम ऐसे मारते हैं ताकि हमारी स्पीड तेज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब पानी में आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं पानी में दिखा देता हूँ और उसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो 18 फुट में मैं जाऊँगा डीप वाटर, वो दिखा दूंगा। तो अभी ये 3 फुट से लेके वो पीछे लास्ट तक 18 फुट का बीच में रैलिंग जो दिख रहे हो इसमें, जहाँ तक 8 फुट है, उसके बाद एकदम 18 फुट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि नीचे गहरा 18 फुट 16 फुट गहरा है, मतलब कि मैंने नापा नहीं पर जो यहाँ पे है वो कह रहा है कि 18, 16.5, 18.5 के बीच में ही है, तो काफ़ी गहरा है। तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देखोगे जो कि मैं उसके अंदर जाऊँगा। तो चलो एक बार मैं आपको अंडर वाटर स्विमिंग दिखा देता हूँ, इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है और इसमें ब्रीथिंग नहीं होती, मैं आपको बता दूँ कि आपने अंडर वाटर एक बार कर लिया तो कर लिया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हो, एक ये कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको अपनी बता दूँ कि इसमें क्या होता है, कि इसमें भी सही है बट इसमें और मेरी टेक्निक में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है।
टेक्निक दोनों ठीक है, पर ये अंडरवर्ट चलेगी वो भी अंडरवर्ट ही चलेगी। तो चलो अब मैं अपनी भी बता देता हूँ, जो मैंने अभी बताया है सेम अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे भी करते हो तो ये भी एकदम सही है, ठीक है, बट डिपेंड रहता है आप जैसे मर्जी कर सकते हो, पर इसमें आपकी दूरी ज़्यादा तय होगी। क्या कर सकते हो, किक मैंने डॉल्फिन की एक किक किया जैसे मैंने बाहर पानी में बताया ज्वाइंट की और किक किया जोर से, ठीक है। इसकी आप जितनी स्पीड में करोगे उतनी तेज आप ज़्यादा आगे जाओगे, उतनी ही ज़्यादा स्पीड बनेगी जितनी ज़्यादा आप हाथ फास्ट चलाओगे। ये चेक कर सकते हो कि मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करने की जरूरत नहीं, आपने पुश मारना है और करना है, ठीक है। साइकिलिंग भी आपको देख ले, इसमें आपको साइकिलिंग भी क्लियर दिख जाएगी कि साइकिलिंग कैसे करनी होती है। चेक कर सकते हो कि साइकिलिंग भी कर रहा हूँ, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने जब ढोल फिर करनी है तो आपने तेज़ हाथ चलाना है, जितना तेज हाथ चलाओगे उतना आप अंडर वाटर कवर कर पाओगे, ठीक है। हैंड मूवमेंट चेक कर सकते हो कि आपने ऊपर से नीचे लेके आना है और किक करनी है और नीचे। मैं आपको उल्टी भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, गहरे पानी में कैसे खड़े रहे वो भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो उसके ऊपर। आई होप कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको ही अंडर वाटर में भी दिखाऊंगा, फिलहाल अभी आप बाहर से देख सकते हो। अंडर वाटर में फ्रेंड्स आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा, बाहर से आप अभी ये चेक कर लो बाहर से कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अंदर, मुझे ये सवाल आया था कि जब हम अंडर वाटर करते हैं मैं ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर भाई हम भी आते हैं पर प्रेशर मारते हैं उसी हिसाब से हम हाथ मारते हैं। हाथ मैंने मूवमेंट बताई थी, ठीक है, चेक कर सकते हो। लेग्स मूवमेंट और हैंड मूवमेंट आपने सेम ऐसे चलानी है, जितनी तेज चलाओगे उतनी दूर जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी जितनी तेज चलाते जाओगे उतनी आप दूर जाते जाओगे। हाथ को आपने ऊपर से ले आके चेस्ट के साथ जोड़ के, दोनों को हाथ जोड़ के अपने पीछे मारना है, ओपन नहीं करना, पीछे मारना है, ऐसे करके नीचे करना है, ये देख सकते हो। इसी तरह आपकी स्पीड ज़्यादा डबल बनेगी। चलो एक बार आपको अंडर वाटर में भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स अंडर वाटर चेक कर सकते हो, ठीक है, अंडर वाटर में पूरे आपको क्लियर दिखेगा और आपने सेम अप्लाई करना है, कुछ चेंज नहीं करना। ये चेक कर सकते हो, हाथ जोड़े और पीछे किक, हाथ जोड़े और बैक किक, हाथ जोड़े और बैक किक, हाथ जोड़े और ये चीज़ करनी है। यही चीज़ आपने एक मेरी वीडियो में, अगर आप एक चीज़ लेके उसको कवर करते हो फिर वहाँ जाके कवर करोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो एक बार फिर से आपको मैं उल्टी भी दिखा दूंगा बैक में, तो ये चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि इस अंडर वाटर में आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, पर इसमें मुझे काफ़ी इशू आया क्योंकि मेरा माइक बीच में बंद हो गया, तो मेरे काफ़ी शूट में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अभी आप चेक कर सकते हो सारी की सारी डिटेल जो मैंने अंडर वाटर में की थी, और ये जो बाहर कैमरा पड़ा था वो मैंने शूट किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा सारा का सारा। अभी मैं एक बार आपको बैक भी दिखा दूंगा, पहले आप एक बार फिर से अंडर वाटर देख लो, ठीक है, पानी के अंदर आप मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से, मैं मतलब कि मैं तेज नहीं कर रहा हूँ ताकि जो आपको क्लियर समझ में आ जाए। हाथ जोड़ के पीछे उनके दोनों हाथों से अगर हम पानी पुश करते हैं तो हमारी स्पीड बहुत तेज आगे चली जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप अंडर वाटर करते हो एकदम फर्श के साथ करोगे तो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाओगे, अगर आप बीच में रहते हो तो ज़्यादा जोर लगता है, मतलब कि या तो नीचे रहो या तो ऊपर हो। मतलब कि ये बैक देख रहे हो, मैं बैक में कर रहा हूँ, बैक में आपको समझ में आ जाए, देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। बैक मैंने एक बार ही की, ज़्यादा बार बार नहीं की, क्योंकि बैक में अंडर वाटर ऐसे भी हो सकती है, अगर आप फ्री किक करोगे तो भी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप बाहर से जो मैंने शूट किया था, कैमरा रख के बाहर से शूट किया था, ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो से मतलब कि कोई आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, मुझे हैशटैग करके बता देना कमेंट में। और अंडर वाटर मैंने सारी दिखा दी है, और सीधी उल्टी मैं दोनों दिखा देनी है, ये मेरी शूट कर रहे थे जो कैमरे में, ये भाई बैठा है मेरा, ठीक है, तो ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। आई होप कि आपको अंडर वाटर स्विमिंग ये वीडियो देख के आ जाए, अगर नहीं आए फिर भी कमेंट करके बता देना तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। आप सिद्धि कैसे करनी है, पुश लेने के लिए आपको हल्का सा ऊपर आके नीचे जाना होता है बड़े आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये चीज़ करते हो, मतलब कि ब्रश में बैक जो बैक की किक है ब्रश में बहुत अच्छी चलती है, अगर आप अंडर वाटर से ही कर रहे हो तो आपको ब्रश में बस थोड़ी सी चेंजेस करके आप ब्रेस्ट स्ट्रोक कर सकते हो। तो अब हम करेंगे वीडियो का एंड, आई होप कि आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक सारा समझ में आ गया हो, और वीडियो का एंड करेंगे। साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि उसमें भी मेरी बात नहीं आई कि ये मैं डबिंग द्वारती कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और डीप वाटर में जो 16 फुट या 18.5 फुट का है उसमें जाएंगे, पर मेरे कानों में बहुत प्रेशर पड़ा था मुझे पता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना जरूर, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी तो मुझे बता देना। और टेक्निकल लवली मनी चैनल टी शर्ट पे आप चेक कर सकते हो, दोनों चैनल के नाम लिखे हैं, आप देख के भी सर्च मार दो वैसे डिस्क्रिप्शन में हो, और आई बटन में भी आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पूल एकदम धांसू है, चेक कर सकते हो पीछे जो बैकग्राउंड में मेरे डाइव पॉइंट है, इसके बारे में भी सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वीडियो को कर देंगे हम एंड बहुत जल्दी, और लिपसिंग मेरी आगे पीछे रहेगी उसके लिए सॉरी, और बाय फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वीडियो में बहुत। ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, और ये है टेक्निकल लवली मनी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक्निकल लवली मनी में मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग और रिव्यू देता हूँ, गेमिंग टेस्ट करता हूँ, ठीक है मैम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो। आपका क्या वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर कर दें। मैं गलतियाँ करता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, सॉरी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया करो। थैंक्स वॉच द वीडियो फ्रेंड्स।